आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द नोड्स एंड इंटर नोड्स आर डैश इन द स्टेम। पूछा गया है कि नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो स्टेम में पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो बेसिकली नोड्स और इंटर नोड्स का बात करते हैं, तो नोड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम लोग स्टेम कहते हैं, पर्टिकुलरली स्टेम ही होता है। और इंटर नोड्स वो सारे जगह होते हैं जहाँ पे स्टेम से ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ब्रांचेस भी यहीं से ग्रो करते हैं, और जो दो इंटर नोड के बीच का पोर्शन होता है उसी को नोड्स भी कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये है एक स्टेम जहाँ पे, ये मान लीजिए ये सारे जो डॉटेड एरिया है ये है नोड्स, और इस एरिया से क्या हो सकता है, तो इस एरिया से ब्रांचेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लीफ जो है वो भी ग्रो कर सकते हैं। और लीव के बाद क्या होता है कि नोड से फ्लावर्स जो है वो भी ग्रो करते हैं। तो ये दोनों नोड के बीच का एरिया जो है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं इंटर नोड, जहाँ पे बेसिकली सिर्फ प्रेजेंट रहता है जो बार्क होता है या फिर जो थिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर अगर हम लोग स्टेम कहें प्लांट का तो वो एप्रोप्रिएट होगा, और जहां से ग्रोथ होता है लीव, फ्लावर, ब्रांचेस का, उस पोर्शन को नोड्स कहते हैं। तो स्टेम में क्या होता है, ये दोनों पोर्शन ही प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रेजेंट, क्योंकि स्टेम में ही ये दोनों पोर्शंस पाए जाते हैं जो कि एक पूरे कंप्लीट प्लांट को अंजाम देते हैं या फिर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।